प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुलना ऑनलाइन टीचिंग में आपनो हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळ पुनरावर्तन एक समझी गया, हवे पुनरावर्तन बे समझीशुं। तो पुनरावर्तन बे नो क्वेश्चन एक, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए तीन प्रश्न बनाइए। तो आपणे पहला परिच्छेद समझी जोई लेशुं। समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता। इसलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। तो विद्यार्थी मित्रों, एनो जवाब जोईशु ने प्रश्न बनाईशु एमाज। तो पहलो छे प्रश्न, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है? प्रश्न नंबर बे, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है? प्रश्न नंबर त्रण बनसे, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो प्रश्न नंबर एक। हवे जोईशु प्रश्न नंबर बे, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्र, आप शब्द जोईशु, पर्वत, उसको, मीठा, नदी, तुम्हें, सूरत, बाल, नर्मदा, सुंदर, बड़ा, मेहंदी, हम और भारत। तो विद्यार्थी मित्र, आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में एनु वर्गीकृत करीशु। तो हवे आपणे पहला संज्ञा जोईशु के कया शब्दों संज्ञा छे। तो संज्ञा छे पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा और भारत। हवे जोईशु सर्वनाम। सर्वनामना शब्दों छे उसको, तुम्हें और हम। हवे त्रीजा नंबरे विशेषण। हवे विशेषणना शब्दों मीठा, सुंदर, बड़ा, मेहनती। जो शब्दों में विशेषता दिखाता उसे विशेषण कहते हैं। तो हवे आपणे वाक्य जोईशु संज्ञाना पहला। तो पहलू हतुं पर्वत संज्ञानी अंदर। तो पर्वतनो वाक्य छे, मेरा गांव सह्याद्री पर्वत की तलहाटी में है। बीजू नदी, हमारे गांव के पास गंगा नदी बहती है। त्रीजू सूरत, सूरत एक अच्छा शहर है। चौथु बाल, काले बाल अच्छे लगते हैं। पांच नर्मदा, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। छ भारत, भारत मेरा देश है। हवे आपणे जोईशु सर्वनामना वाक्यो। तो सर्वनामना शब्दो हता उसको, पहलू आपने उसको क्या दिया। बीजू तुम्हें, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे। त्रीजू हतु हम कुछ करके दिखाएंगे। हवे त्रीजा नंबर है तो विशेषण। तो हवे विशेषणना वाक्य जोईशु। पहला नंबर है मीठा, शरबत बहुत मीठा है। बीजू सुंदर, आपकी रचना सचमुच सुंदर है। त्रीजू बड़ा, हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। चौथु मेहनती, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो आपणो प्रश्न नंबर बे। हवे आपणे जोईशु प्रश्न नंबर त्रण, दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए। तो एमां नीचे कोष्टक आप्या छे, ऊपर, अभी, यहां वहां, अधिक, की और, धीरे धीरे। हवे पहलू जोईशु, मोनिका खाली जगह खाना बना रही थी। तो आपणे खाली जगह पूरीशु, मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। बीजू हवाई जहाज खाली जगह उड़ रहा है।
तो जवाब, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। त्रिजु, दिन भर खाली जगह देखा। तो जवाब आपसे, दिन भर यहाँ वहां देखा। चार, शिक्षक ने विद्यार्थियों की खाली जगह देखकर कहा। तो जवाब, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। पांच, काम खाली जगह करो बातें कम। तो जवाब, काम अधिक करो बातें कम। छह, बिल्ली खाली जगह बाहर निकल गई। तो जवाब, बिल्ली अभी बाहर निकल गई। हवे प्रश्न नंबर चार जोईशु। विद्यार्थी मित्रों, मौखिक उत्तर दीजिए। तो एमां प्रश्न नंबर एक जोईशु, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? तो जवाब जोईए, मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज्यादा पसंद है। दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय है। दादी जी के कारण ही मुझे कहीं ट्यूशन लेने नहीं जाना पड़ता। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है। मुझ में जो अच्छी आदत है वे सब मेरी दादी जी के ही कारण है। महापुरुषों की कहानियां सुनकर वे मुझे भी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी जिंदा दिली के कारण घर के वातावरण में बड़ी रौनक बनी रहती है। जब वे कहीं जाती है तब मुझे बहुत सुनापन लगता है। इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति दादी जी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो प्रश्न नंबर एक नो जवाब। हवे जोईशु बे बीजा नंबर नो क्वेश्चन। आपके गांव शहर के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। जवाब, मेरे गांव का नाम सरदारपुरा है। यहाँ रूपा नदी के किनारे बसा है। गांव की आबादी लगभग 5,000 है। इनमें अधिकतर लोग किसान हैं। हमारा गांव प्रगतिशील है। यहाँ अनाज की बड़ी मंडी है। मंडी के कारण किसानों के उत्पादन अच्छे दामों बिक जाते हैं। इसलिए गांव के किसान हर तरह से सुखी है। गांव में एक विद्यालय है, इसमें SSC तक की पढ़ाई होती है। गांव की पंचायत ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए अच्छे प्रयत्न किए हैं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के कारण हमारा हरा भरा गांव नंदनवन जैसा लगता है। तो आ तो प्रश्न नंबर बे। हवे जोईशु प्रश्न नंबर त्रण। आपकी पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में कहानी बताइए। तो जवाब, मेरी पसंद की फिल्म है तारे जमीन पर। इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है, उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है। चित्रों या कलाकृतियों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है। एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है। उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में इसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। तो आ तो प्रश्न नंबर 3 नो जवाब। हवे जोईशु 4। यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? तो जवाब, यदि सूरज न निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती। यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी न होता, धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फूल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती, खेतों में फसलें नहीं लहलहाती। जब जल और अन्न न होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। तो आ तो प्रश्न नंबर 4 नो जवाब।
हमें जो इशू प्रश्न नंबर 5, यदि आप गांव के सरपंच होते तो जवाब जाइए। यदि मैं अपने गांव का सरपंच होती तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़क है, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरत पूरे करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होती तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पक्की बनवाती। गांव में कुओं की जगह नल कूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती। गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव में भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होती तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देती। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो आप पुनरावर्तन बे आप नोटबुक अंदर लखीशू। प्रणाम।